हेलो फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। पानी की किल्लत का सबको भली भांति ज्ञान है, किस तरह से अंडरग्राउंड वाटर का लेवल डाउन होता जा रहा है और अपर लेवल का वाटर, अपर लेवल जो नदी वगैरह का जो पानी होता है वो डिपेंड करता है कि कितनी बारिश होती है उसके अकॉर्डिंग होता है, और समुद्र का पानी एक प्रॉपर रिसाइकलिंग के बाद ही आप यूज कर सकते हैं, वहां पर भी लिमिटेशन है। जिस तरह से अंडरग्राउंड वाटर का लेवल दिन ब दिन कम होता जा रहा है तो बोतल बंद पानियों की डिमांड बढ़ती जा रही है। अनुमान के तौर पर अरबों रुपए का बोतल बंद पानी सालाना पिया जाता है। कंपनियां समुद्र से पानी लेती हैं, उसको रिसाइकिल करती हैं, उसको फिल्टर करती हैं, उसमें मिनरल डालती हैं और उसको बोतल में बंद करके मनमानी कीमत पर सेल करती है, जो कई बार एक गरीब आदमी के पहुंच से बहुत दूर होता है। हर साल पानी की कमी की वजह से या गंदा पानी पीने की वजह से लाखों लोग बीमार पड़ते हैं। गंदे पानी के पीने से कितनी बीमारियां बढ़ती हैं इसको सभी भलीभांति जानते हैं, लेकिन अंडरग्राउंड वाटर का लेवल कम भी होता जा रहा है और इंडस्ट्रीज आदि के फैलने की वजह से काफ़ी पॉल्यूटेड भी होता जा रहा है। आए दिन अलग अलग शहरों से, अलग अलग गांव से खबरें आती रहती हैं कि वहां का सैंपल लिया गया और वो वाटर सैंपल फेल हो गया, क्योंकि वहां पे जो मिनरल्स मिलने चाहिए थे वो नहीं है, बल्कि पास की फैक्ट्री का जो केमिकल है वो उस पानी में मिलकर आ रहा है। खाने के साथ साथ साफ पीने का पानी भी इंसान की मूलभूत जरूरतों में से एक है। एक बार इंसान बिना खाए रह सकता है, लेकिन बिना पानी पिए वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता। इसी पानी की पूर्ति के लिए अलग अलग देशों के अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग लोग, अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। इसी में एक नई चीज़, एक रिसर्च हुई है, उसके तहत ये जाना गया है, ये माना गया है कि पूरी दुनिया के जो एयर है उस एयर में भी मॉइस्चर जो मौजूद है, उस मॉइस्चर को अगर इकट्ठा किया जाए तो वो इतना ज़्यादा पानी वहाँ पर इकट्ठा हो सकता है जो सुपर लेक में भी ना हो। इसको आसान तरीके से समझते हैं, एयर में आपके सराउंडिंग में हमेशा एक एयर रहती ही रहती है और उस एयर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परसेंट मॉइस्चर कंटेंट भी होता है। अगर आप रेगिस्तान की भी बात करें तो रेगिस्तान में भी 15% से 20% मॉइस्चर कंटेंट होता है। ज्यादा बारिश अगर होती है तो मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है, अगर कहीं पर बारिश नहीं हो रही है या कम बारिश हो रही है तो मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है, लेकिन मॉइस्चर हर जगह पर मौजूद होती है एयर्स के पार्टिकल के साथ। यहाँ पे हम क्लाउड की बात नहीं कर रहे हैं, बादल की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल एयर में मौजूद मॉइस्चर की बात कर रहे हैं। इसको कैसे हम इकट्ठा कर सकते हैं? सबसे पहली एक हमारी जो मशीन थी वो है वाटर फ्रॉम एयर। वाटर फ्रॉम एयर लगभग 90-60% ह्यूमिडिटी पर वर्क करती है। एयर में जो मॉइस्चर होगा उसको वाटर में कन्वर्ट करेगी, लेकिन वो ह्यूमिडिटी का लेवल 90-60% होना चाहिए। ये जो वाटर फ्रॉम एयर है ये कैसे काम करती है, इसका जो प्रिंसिपल है वो डिह्यूमिडिफायर है। ये क्या होता है, यानी कि जो ह्यूमिडिटी है उसको वाटर में कन्वर्ट करना। जब आपकी वार्म एयर कंडेंसर में आती है तो यहां पर उसको कोल्ड एटमॉस्फेयर मिलता है, जब वो गर्म हवा इससे होकर गुजरेगी तो कोल्ड एटमॉस्फेयर में आपकी गर्म हवा में जो मॉइस्चर होगा वो कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होकर वो वाटर के फॉर्म में, ड्रॉप्स की फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है और आपकी लो मॉइस्चर की आपकी एयर बाहर निकल जाती है और जो वाटर कंटेंट है वो इकट्ठा कर लिया जाता है, उसको इकट्ठा करके फिर यूज कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर। ये कहलाता है डिह्यूमिडिफायर, एयर से कंडेंस करके वाटर निकाल लेना। अब ये काम करता है 90-60% ह्यूमिडिटी पे, यानी अगर 60% से कम ह्यूमिडिटी होगी तो वाटर फ्रॉम एयर आपकी मशीन जो है वो उतना
वाटर आपका जनरेट नहीं करेगी, ये वर्क नहीं करेगी। यहाँ पर आप कंडेंसर यूज कर रहे हैं तो सिंपल सी चीज है, आपको इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी पड़ेगी, आपको इलेक्ट्रिसिटी भी यूज करनी पड़ रही है। और एक लिमिटेशन है कि 90-60% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, अगर उससे कम ह्यूमिडिटी है तो मशीन काम नहीं करेगी। इसका तोड़ निकाला ब्रिटिश कंपनी रिक वेंच ने, जो 15% ह्यूमिडिटी होने पे भी काम करती है। अगर यहाँ पर 90-60% या ये कह सकते हैं अगर ह्यूमिडिटी अच्छी परसेंट में मिलती है तो वो लगभग 2000 लीटर तक वाटर जनरेट कर सकती है। अगर 15% ह्यूमिडिटी जनरेट हो रही है, अगर 15% ह्यूमिडिटी मिल रही है तो लगभग 500 लीटर पानी वो जनरेट कर सकती है। इसी तरह से प्रोफेसर कोडी ने एक मशीन बनाई है जीरो मास, जो 15% मॉइस्चर पर काम करती है, जो स्पंज की तरह उसमें एक पार्ट यूज किया गया है, लिथियम क्लोराइड और ऑर्गेनिक आयन वहां पर यूज किए गए हैं, जो हाइड्रो पैनल की तरह से यूज करता है और वो ह्यूमिडिटी को अपने अंदर सक करता रहता है और इन द फॉर्म ऑफ वाटर रिलीज करता रहता है। इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। चौथी जो मशीन आती है वो है वाका टावर, जो सबसे पहले इथियोपिया में यूज की गई थी। ये एक लगभग 10 मीटर ऊंचे बांस का एक जाल होता है जिसमें एक पॉलिस्टर लगाया हुआ होता है। वो पॉलिस्टर आसपास जब हवा में मॉइस्चर होती है तो उसको अपने अंदर कैद कर लेता है और वो धीरे 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 रिसता हुआ नीचे रखे हुए टैंक में इकट्ठा हो जाता है। उस टैंक से फिर उस पानी को यूज कर लिया जाता है। सबसे पहले जब ये वाका टावर लगाई गई थी तो बारिश के दौरान इस टावर ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था, बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हुआ था। लेकिन बाद में जब मॉइस्चर की मात्रा बहुत कम हुई तब भी ये वाका टावर वर्क करती रही, इसीलिए अब इसको टोगो और हैती में भी यूज़ किया जा रहा है ताकि वहाँ के लोगों को भी पानी की पूर्ति हो सके। इस मशीन की सबसे अच्छी बात यह है कि इस मशीन में कोई भी वर्क करने की कोई भी ऐसी डिवाइस हमको यूज नहीं करनी है जिसको इलेक्ट्रिसिटी देनी हो या कोई और इसमें इस तरह का केमिकल या कुछ यूज करना हो जो हवा से वाटर को सक करे। यहाँ पर सिंपल ये एक बांस का एक 10 मीटर ऊंचा एक जाल होता है जिस पर पॉलिस्टर लगा हुआ होता है। वो पॉलिस्टर पानी हवा जब चलती है तो उसमें से मॉइस्चर को अपने अंदर कैद करता रहता है और वो धीरे धीरे रिसता हुआ नीचे टैंक में इकट्ठा होता रहता है। आने वाले दिनों में मशीनें एक उम्मीद है कि पानी की जो किल्लत है उसको कुछ हद तक कम करने में मदद करेगी। समुद्र से पानी आप बना सकते हैं, मशीनें लगी हुई हैं, लेकिन वो बहुत कॉस्टली होता है, वो बहुत महंगा होता है, जो गरीबों की पहुंच तक नहीं हो सकता। तो मांग उठती है कि एक ऐसा अल्टरनेट ढूंढा जाए जो न सिर्फ अमीरों के बल्कि गरीबों के भी पहुंच तक हो, क्योंकि पानी हर किसी का अधिकार है, हर किसी को पीने का साफ पानी मिलना ही चाहिए। इस कड़ी में ये मशीन एक उम्मीद की किरण के तौर पर काम कर रही है। अगर ये इसी तरह से वर्क करती रहती है तो हो सकता है आने वाले दिनों में पानी की समस्या काफी हद तक सुलझ जाए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, तथा अगर आप कोई टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।